देखो जेड़ी गल सही नहीं उनू सही नहीं किया जा सकता। चंद गलत लोग जेड़े है वो कैप्टन साहब तो इस किस्म के फैसले करवा रहे है, सो कॉल्ड एडवाइजर जेड़े बने बैठे है। डुले अपने देश वास्ते और अपने सूबे वास्ते मिलना चाहिए और मिलेगा और जिथे जदों भी कदे होएगी आई विल गिव इट। मुख्यमंत्री ने शनिचरवार नूं विरोधियों नूं दो टुक सुना दित्ती सी, पर कैप्टन दे इसे फैसले तो खफा पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ वी ने अपनी सरकार दे फैसलों तो इन्ने ना खुश कि कैप्टन दे सलाहकारां खिलाफ खुल के पड़ास कड़ी ते नौकरी वाला फैसला तो प्रधान नूं बिल्कुल रास नहीं आया। सवाल ए वी है कि हुण अपने नूं की जवाब देणगे कैप्टन। जेड़ी गल सही नहीं उनू सही नहीं किया जा सकता। चंद गलत लोग जेड़े है वो कैप्टन साहब तो इस किस्म के फैसले करवा रहे है, सो कॉल्ड एडवाइजर जेड़े बने बैठे है। उन पिछले दिनों दे विच जेड़े कैप्टन साहब के नजदीक आ गए, दे आर पुटिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्पॉट। यह मसला जेड़ा है मेरी जो है मैं अपनी गल कहती, पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता, सरकार अपने हिसाब नाल चलती है, पार्टी ने अपना सरकार। विरोधी तिना सने नाराजगी पंजाब कांग्रेस प्रधान मंत्री विधायक कई लोग जता चुके ने, रौला काफी पै चुके है। इसे लई हुण प्रताप सिंह बाजवा दे भतीजे फतेह सिंह बाजवा दे बेटे नूं ऑफर हुई नौकरी तां परिवार ने लैण तो इनकार कर दिता है। रिजेक्ट शब्द इत्यादि नहीं कहूंगा बल्कि उन्होंने धन्यवाद कहा है कि जो है जो मुझे सूचना नौकरी नहीं लेंगे या नहीं लेंगे। अभी पांडे जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन जो है बाजवा जो फतेह हैं फतेह बाजवा ने कह दिया है नहीं नहीं। पंजाब सरकार ने कादियां तो विधायक फतेह सिंह बाजवा दे बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा नूं पुलिस इंस्पेक्टर ते विधायक राकेश पांडे दे बेटे पीशम पांडे नूं नायब तहसीलदार लाया सी। अर्जुन प्रताप बाजवा विधायक फतेह सिंह बाजवा दे बेटे ने, साबका कैबिनेट मंत्री सतनाम सिंह दे पोते ने अर्जुन प्रताप बाजवा। पीशम पांडे विधायक राकेश पांडे दे बेटे ने ते योगेंद्र पाल पांडे दे पोते ने, दोवां विधायकां दे बेटियां नूं तरस दे आधार ते नौकरी दित्ती गई सी। कैप्टन इस फैसले दी भावे पंजाब तो लेके दिल्ली तक खूब खिलाफत हुई, पर कैप्टन ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि अपने फैसले ते कायम ने, फिर विरोधी सहयोगी जो मर्जी कहंदे रहन। या होया अपने बाजवा साहब दा दे इन्हां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां सी अपने देश वास्ते, एंड अगर अकाली दल या आम आदमी पार्टी जो क्रिटिसाइज करदी है वो मैनू अपने पार्टी तो दस देन किसी बंदे नू, मैं उन्हूं भी दे दूंगा। अगर ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਰੇ। ਲੈਟ ਦਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨਿਤ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।